हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली उन सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिनका अभी कंपार्टमेंट रिजल्ट आया है और उनका कंपार्टमेंट रिजल्ट बच्चे किसी कारण क्लियर नहीं हो पाया, मतलब वो बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम अपना क्लियर नहीं कर पाए, उनके नीचे रिजल्ट में वापिस से कंपार्टमेंट लिखा हुआ आ रहा है, राइट। तो उन स्टूडेंट्स के लिए अभी क्या ऑप्शंस हैं, उनको क्या करना चाहिए और क्या वो करेंगे तो उसका क्या एक प्रॉपर प्रोसेस रहेगा बच्चे, उसके रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स दिमाग में आ रहे हैं वो सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। मैं आनंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आनंद कॉमर्स एकेडमी में, जहां ना सिर्फ मिलेंगे आपको कॉमर्स रिलेटेड लेक्चर बल्कि उसके साथ साथ दी जाएगी CBSE से जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, यदि स्टूडेंट्स आपकी कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो बच्चे अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं ये मैं समझाने के लिए आपको लेके चलता हूं स्क्रीन पे। नाउ आप देख सकते हैं बच्चे, आप लोगों के पास टोटल 3 ऑप्शन अवेलेबल है यदि आपका कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो। सर क्या वो 3 ऑप्शंस हैं? तो बच्चे वो सर वन बाय वन हम समझते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन बच्चे आप लोगों के पास अवेलेबल है वो है री वेरिफिकेशन एंड री इवेल्युएशन प्रोसेस का, राइट। जी हां, अगर स्टूडेंट्स आपके मार्क्स जो आए हैं कंपार्टमेंट एग्जाम में वो जस्ट आप 2 या 3 नंबर से आपके रिजल्ट पास होने से रह गया है तो बच्चे ये मेरा पर्सनली स्ट्रॉन्ग सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोग रीवेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन जरूर अपनी कॉपीज का करवाएं। इससे ये होगा एटलीस्ट हमारे मन में बच्चे रिग्रेट नहीं होगा कि हमने हमारा एक बार ट्राई नहीं किया कि हमारे मार्क्स शायद इंक्रीज हो सकते थे। क्या है ये पूरा बच्चे प्रोसेस, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूं। इसका एक पर्टिकुलर बच्चे पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे डला हुआ है जिसका बच्चे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और यहां पे आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। प्रॉपर बच्चे रीवेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अभी के लिए बच्चे मैं जस्ट आप लोगों को बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स का कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है वो बच्चे रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीवेरिफिकेशन क्लास 12th की मैं बात करूं तो बच्चे आपके फॉर्म्स अभी चल रहे हैं, आज 11 तारीख है 11th of October एंड कल 12th of October। याद रखना बच्चे कल 12 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद ये फॉर्म्स क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद में आप अप्लाई रीवेरिफिकेशन के लिए नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसका आपको ध्यान रखना है। नाउ रीवेरिफिकेशन बच्चे जो करवाएंगे उन्हीं स्टूडेंट्स के पास बच्चे ध्यान रखना एक ऑप्शन होगा फोटोकॉपी मंगाने का और साथ ही साथ अपनी कॉपी का रीइवैल्यूएशन कराने का। मतलब अगर आप रीवेरिफिकेशन करवाते हैं तभी आप अपनी कॉपी की बच्चे फोटोकॉपी मंगवा पाएंगे आंसर शीट की और वापस से रीचेकिंग यानी कि रीइवैल्यूएशन करवा पाएंगे। तो वैसे ये जो बच्चे रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस है ये टोटल 3 स्टेप का है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपकी रीकाउंटिंग होगी जिसको बोलते हैं रीवेरिफिकेशन। बच्चे इसके अंदर जो मार्क्स है वो डिक्रीज जनरली नहीं होते हैं, लेकिन देखो मैं बच्चे स्ट्रांगली आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग ऐसे स्टूडेंट जिनके बच्चे कंपार्टमेंट आई है कंपार्टमेंट में बच्चे वो फेल हो गए तो आपको ये रीवेरिफिकेशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को करवाना है जो ऑलरेडी बच्चे पास नहीं है। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कंपार्टमेंट में पास हो गया है और जस्ट पासिंग लाइन पे उसके मार्क्स हैं, सपोज 26 मार्क्स पासिंग है और उसके थ्योरी में जस्ट 26 आए हैं, तो बच्चे ऐसा कोई भी स्टूडेंट रीवेरिफिकेशन या रीवेल्यूएशन में पार्टिसिपेट ना करें क्योंकि इस प्रोसेस में बच्चे कहीं ना कहीं मार्क्स डिक्रीज होने के भी चांसेस होते हैं, क्लियर। तो बच्चे अगर आपके कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हुआ है 3 या 2 नंबर से अगर आप रह गए हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए थे, आपने पूरा पेपर अटेंड किया था, तो बच्चे बिल्कुल आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए रीवेरिफिकेशन की प्रोसेस में, क्लियर। नाउ रीवेरिफिकेशन कराने के बाद आपकी नेक्स्ट जो बच्चे डेट रहने वाली है वो है 20 तारीख और 21 तारीख। 20 और 21 को आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर पाएंगे और उसी के एक दिन बाद बच्चे 21 के बाद 23 और 24 तारीख को आप क्या अप्लाई कर पाएंगे रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा पाएंगे। इसके लिए बच्चे मैंने प्रॉपरली यहां पे नोटिस साइड में लगा रखा है क्या डेट रहने वाली है रीवेरिफिकेशन की, क्या डेट रहने वाली है रीवैल्यूएशन की, क्या उसकी प्रॉपर फीस है 500 रुपीज रीवेरिफिकेशन, फोटोकॉपी के लिए बच्चे 700 रुपीज और साथ ही साथ पर क्वेश्चन अगर आप चैलेंज करते हैं सीबीएसई को इन द रीवैल्यूएशन तो उसके लिए बच्चे आपका 100 रुपीज ईच क्वेश्चन लगने वाला है। तो बच्चे पूरी डिटेल आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको बच्चे वीडियो को पॉज करके एक बार आप पूरी ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन बच्चे रीड कर लेना। नाउ सेकेंड बच्चे अगर ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड ऑप्शन आप लोगों के पास जो है वो है बच्चे रीअपेयर इन द कंपार्टमेंट एग्जाम।
बच्चे मैं यहां पे इसको रीअपेयर इन द कंपार्टमेंट एग्जाम की जगह मैं यहां पे बच्चे यहां पे लिखा हुआ है रीअपेयर इन द एग्जामिनेशन। तो यदि अगर आप बच्चे फेल हुए हैं कंपार्टमेंट एग्जाम में तो आपके पास अब बच्चे यहां पे दो ऑप्शन इस रीअपेयर इन एग्जामिनेशन में है, या तो आप बच्चे जिस एग्जाम में फेल हुए हैं, जिस कंपार्टमेंट एग्जाम आपका क्लियर नहीं हुआ है, उसमें स्पेसिफिक वापस से आप सेकेंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट यूज करें और सिर्फ अपने कंपार्टमेंट एग्जाम वाला ही बच्चे नेक्स्ट एग्जाम में आप पेपर देंगे। एक तो ये ऑप्शन अवेलेबल है यानी कि रीअपेयर इन द कंपार्टमेंट एग्जाम, और दूसरा बच्चे जो ऑप्शन है वो है बच्चे रिपीट द होल ट्वेल्थ क्लास। बच्चे ये जो रिपीट द होल ट्वेल्थ क्लास की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब बच्चे ये है कि आपको पूरी की पूरी ट्वेल्थ क्लास है वो वापस कर लेनी चाहिए। उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा बच्चे दो तरीके हैं जिससे आप कर सकते हैं। एक उसके अंदर आप बच्चे रेगुलर स्टूडेंट के तौर पे कर सकते हैं, और एक एज आप प्राइवेट। बच्चे प्राइवेट में यहां पे सीबीएसई के लिए ही यूज कर रहा हूं, मैं कोई ओपन बोर्ड के लिए भी बात नहीं कर रहा हूं, क्लियर। सीबीएसई भी आपके बच्चे प्राइवेट एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है ना। अगर आप बच्चे रीअपेयर होना चाहते हैं एग्जामिनेशन में तो मैंने यहां पे दो ऑप्शन रखे हैं आप लोगों के लिए। पहला ऑप्शन है आपको सिर्फ वापस से क्या करना है, अपने कंपार्टमेंट एग्जाम में ही रीअपेयर होना है, मतलब सिर्फ आपको एक ही पेपर वापस देना है बच्चे नेक्स्ट कंपार्टमेंट एग्जाम में, और आपका बच्चे ये ईयर क्या हो जाएगा, क्लियर माना जाएगा, ये ट्वेल्थ क्लास आपकी क्लियर माना जाएगी। अगर आप बच्चे सेकेंड कंपार्टमेंट का चांस यूटिलाइज करना चाहते हैं तो अब आप लोगों के पास बहुत सारे मन में डाउट आ रहे होंगे, वो सारे डाउट्स मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं। डाउट नंबर वन, सर ये जो सेकेंड कंपार्टमेंट एग्जाम्स है क्या ये सीबीएसई अलग से कंडक्ट करवाता है? तो बच्चे इसका आंसर है नो। ये जो आपके कंपार्टमेंट एग्जाम सेकेंड चांस आपका होने वाला है, ये आपका वही एग्जाम है जो नेक्स्ट ईयर बच्चे क्या करने वाले हैं, अपना मेन बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। सपोज अभी आपके जो जूनियर स्टूडेंट थे जो इलेवंथ में थे, अभी वो पास होकर ट्वेल्थ में आए हैं, तो उनके जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे वो जनरली कब होते हैं बच्चे, मार्च अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल में ही वो उनके लिए बोर्ड एग्जाम कहलाएगा, और उसी का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें आपकी कंपार्टमेंट है वो आप लोगों के लिए सेकंड कंपार्टमेंट का चांस कहलाएगा, क्लियर। तो एक तो चीज आपकी मैंने यहां पे डाउट आपका मैंने सॉल्व कर दिया। सेकंड डाउट बच्चों का आता है बच्चे कि ये कंपार्टमेंट एग्जाम का जो सेकंड चांस है सर वो हमें कब मिलेगा? तो बच्चे ये आपको नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल के अंदर जो बोर्ड के एग्जाम होंगे 2021 के, उसके अंदर बच्चे आपको ये चांस मिलेगा। नाउ यहां पर बच्चे थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल सजेशन दे दूं कि इस बार मैंने आज सुबह मॉर्निंग में ही न्यूज की एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था कि सीबीएसई नेक्स्ट ईयर के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको 45 टू 60 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है। मतलब कि अगर सपोज नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में एग्जाम नहीं होते हैं, दो महीने बाद यानी कि अगर बच्चे जून जुलाई में एग्जाम होते हैं, तो आपका जो कंपार्टमेंट एग्जाम का सेकंड चांस है वो भी जून जुलाई में ही होगा, वो अलग से बच्चे मार्च अप्रैल में आपका कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, क्लियर। उसके बाद बच्चों को बच्चे डाउट आता है यहां पे कि सर अगर हम कंपार्टमेंट में रीअपेयर होते हैं तो क्या हमें प्रैक्टिकल्स में वापस अपेयर होना पड़ेगा? तो बच्चे काफी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, उसमें उन्होंने बोला है कि आपको वापस से प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे। बच्चे मैं क्लियरली आपको ये चीज बता दूं कि जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं ये प्रॉपर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट सीबीएसई की जो इंचार्ज है, मैंने उनसे बात करके सारी इंफॉर्मेशन निकाली है। तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चे, सबसे पहली चीज अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम में रीअपेयर हो रहे हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर आप सेकंड कंपार्टमेंट देंगे, आपको बच्चे किसी भी तरह का कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपका थ्योरी वाला एग्जाम होगा, आपका सपोज 70-80 मार्क्स का पेपर होगा बोर्ड का एग्जाम, उसी के बेस पे बच्चे आपको क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा, क्लियर। तो ये चीज बच्चे मैंने आपकी सॉल्व कर दी। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे आप लोगों का डाउट निकल के आता है कि सर नेक्स्ट ईयर जब हम एग्जाम सेकंड एग्जाम कंपार्टमेंट में पास हो जाएंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, जो हमें मार्कशीट मिलेगी, उस पे डेट क्या मेंशन होगी, उसमें ईयर कौन सा मेंशन होगा? तो बच्चे मैं क्लियरली यहां पे मेंशन कर दूं, जो नेक्स्ट ईयर आप बच्चे अपेयर होंगे एग्जाम में, आपका जब रिजल्ट आपको मिलेगा तो रिजल्ट में देखो आपको टोटल बच्चे आपके 5 to 6 सब्जेक्ट जो भी है उन सब्जेक्ट के जिसमें आपने सेकेंड कंपार्टमेंट दिया है उसके तो न्यू वाले मार्क्स होंगे, साथ ही साथ अभी जो पुराने आपके बच्चे बोर्ड एग्जाम के मार्क्स थे वो एज इट इज आपको बच्चे प्रैक्टिकल और थ्योरी के कॉपी कर दिए जाएंगे। मतलब कि अभी जो आप सपोज आपके पांच अगर बच्चे आपके सब्जेक्ट हैं तो 4 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स एज इट इज, और जो फोर्थ आपका जो बच्चे लास्ट सब्जेक्ट है जिसमें आप कंपार्टमेंट में सेकंड अपेयर होंगे उसके प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स एज इट इज वहां पे कॉपी कर दिए जाएंगे, आपके जस्ट जो थ्योरी वाले मार्क्स होंगे बच्चे वो वहां पे क्या कर दिए जाएंगे, एड ऑन कर दिए जाएंगे, और आपको प्रॉपरली एक नई मार्कशीट पूरी की पूरी मार्कशीट आपको अवेल करा दी जाएगी, राइट।
नाउ इसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया आपका ईयर ऑफ जो मार्कशीट माना जाएगा बच्चे, जो आपका पासिंग ईयर माना जाएगा वो 2020 नहीं रहने वाला है। आपकी मार्कशीट के ऊपर जो सेशन लिखा हुआ आएगा, सीबीएसई का रिजल्ट जो लिखा आएगा वो 2021 में काउंट होगा। बिल्कुल बच्चे, यहां पे काफी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं आपका इसी साल का ये रिजल्ट पास माना जाएगा। बच्चे प्रॉपरली ये चीज गलत है, आप लोगों का वो रिजल्ट होगा 2021 का माना जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं बच्चे, अभी आपकी जो सीबीएसई की बोर्ड की जो मार्कशीट आई थी, अगर आप फर्स्ट कंपार्टमेंट एग्जाम में भी पास हो जाते तो आपको बच्चे जो मार्कशीट मिल रही थी बोर्ड वाली, उसमें कहीं पर भी कोई ऐसा प्राइवेट का टैग नहीं लगा होता। तो लेकिन जब आप नेक्स्ट ईयर कंपार्टमेंट सेकंड आप देंगे तो आपकी बच्चे जो रिजल्ट शीट होगी, सीबीएसई का जो रिजल्ट होगा, उसमें राइट हैंड साइड कॉर्नर में बच्चे आपको प्राइवेट कैंडिडेट का टैग लगा हुआ मिलेगा। मतलब आप सेकंड कंपार्टमेंट एग्जाम सीबीएसई का दे तो रहे हैं, लेकिन सीबीएसई की मार्कशीट में आपको क्या वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, वहां पे प्राइवेट लिखा मिलेगा। क्लियर? तो ये चीज भी बच्चे ने आपको यहां पे क्लियर कर दी है ना। इसके रिगार्डिंग बच्चे और कोई भी डाउट अगर आपके मन में आ रहा है बच्चे, तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर देना, मैं बहुत जल्द से जल्द बच्चे आपका जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर करने का ट्राई करूंगा, राइट। और बच्चे अगर आपको कोई भी क्विक फास्ट रिप्लाई चाहिए तो आप बच्चे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके मेरे को फॉलो करके इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को डीएम मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं बच्चे कि सर यदि हम सेकेंड कंपार्टमेंट एग्जाम को अवेल नहीं करें और हम हमारे पूरे के पूरे सारे एग्जाम, सारे के सारे सब्जेक्ट के एग्जाम वापस देना चाहते हैं, मतलब हम ट्वेल्थ में रीअपेयर होना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? बच्चे यदि आप ट्वेल्थ क्लास पूरी की पूरी वापस से रीअपेयर होना चाहते हैं इन द सीबीएसई, तो सीबीएसई बच्चे आपको दो ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। एक आपको प्रोवाइड करता है एज अ रेगुलर स्टूडेंट, जो अभी आपने जैसे भी ट्वेल्थ क्लास स्कूल से पास की होगी उसी तरीके से बच्चा वापस से ट्वेल्थ क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बच्चे मैं आप लोगों को बता दूं, इसके फॉर्म्स अभी चल रहे हैं। अभी रेगुलर स्टूडेंट जो सीबीएसई में अपेयर होना चाहते हैं उसके लिए ये सिस्टम होता है कि स्कूल आपके बिहाफ पे बच्चे सीबीएसई से परमिशन लेगा और वो लेटर लिख के भेजेगा कि ये बच्चा जो है ये वापिस से क्या करना चाहता है, ट्वेल्थ क्लास अपेयर होना चाहता है। सीबीएसई वहां से बच्चे अप्रूवल लेटर देगा, तब आपका यहां पर रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन होगा। और बच्चे इसके अभी फॉर्म्स वगैरह अभी चल रहे हैं। अगर आप वापस से इंटरेस्टेड हैं पूरी ट्वेल्थ क्लास अपने स्कूल से एज अ रेगुलर करने के लिए, तो आप ये चीज कर सकते हैं। इसमें एक चीज है बच्चे, आपकी जो स्कूल की प्रॉपर जो भी फीस होती है, सपोज आपके सेशन की जो भी फीस लगती है, वो आपके स्कूल वाले आपसे पूरी फीस चार्ज करेंगे, आपका पूरा का पूरा पैसा वापस लगने वाला है। सेकंड अगर मैं बात करूं, सर हमें रेगुलर नहीं करना है, हमें प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर एग्जाम देना है, जो कि जनरली हर बच्चे करते हैं। अगर आपने देखा होगा बोर्ड में जो बच्चे फेल हुए थे अभी लास्ट, जिनके कंपार्टमेंट नहीं, जो बच्चे डायरेक्ट क्या हो गए थे, फेल हो गए थे, और आप जो भी कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप लोगों के पास बच्चे एज ए प्राइवेट अपने आप को सीबीएसई में रजिस्टर करवाने का एक मौका मिलता है। इसमें क्या होगा, आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, स्कूल वाले आपका कोई भी बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, आपको पर्सनली खुद से क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट का फॉर्म फिल करना पड़ेगा सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ का। सर इसमें क्या हमारे वापस से प्रैक्टिकल्स होंगे, क्या हमारे सारे एग्जाम होंगे? तो बच्चे यहां पर बिल्कुल ऐसा होगा, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी वापस कंडक्ट कराए जाएंगे, आपके सारे के सारे सब्जेक्ट, पांचों के पांचों सब्जेक्ट का एग्जाम वापस से होगा। अच्छी चीज बस ये है कि आपको वापस से बच्चे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के मन में हेजिटेशन होता है कि सर हम फेल हो गए हैं, वापस उसी स्कूल में जाके बच्चों के सामने कैसे बैठे, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे मन में फीलिंग आती है, आई टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन इसके लिए सीबीएसई ने आपको ये प्राइवेट का ऑप्शन दे रखा है। इसमें बच्चे स्कूल्स का कोई भी रोल नहीं होता है, स्कूल वाले आपसे कोई भी तरह की इसमें आपसे फीस चार्ज वगैरह नहीं करते हैं, आपको जस्ट प्राइवेट से अप्लाई करना होता है। और जहां तक बच्चे मुझे आइडिया है, अब मैं आपको अप्रोक्स अमाउंट बताता हूं, 3-4,000 का आपका टोटल एक्सपेंस होगा। इसमें आपके बच्चे सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन फीस एज अ प्राइवेट कैंडिडेट का आपसे चार्ज किया जाएगा और आपका बच्चे रजिस्ट्रेशन एज अ प्राइवेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर जब बोर्ड के एग्जाम होंगे उसी के दौर पे बच्चे आप लोगों का भी एग्जाम साथ में कंडक्ट हो जाएगा, जैसे वो बोर्ड का एग्जाम बच्चों के लिए रेगुलर है, वही एग्जाम आपके लिए क्या बन जाएंगे, प्राइवेट, क्योंकि आपके रिजल्ट में जस्ट एक प्राइवेट वर्ड लिखा हुआ आएगा। तो ये बच्चे सेकंड ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है। नाउ इसके रिगार्डिंग बच्चे आपके मन में डाउट आते तो मैं आपको बता दूं, इसके फॉर्म्स अभी बच्चे रिलीज नहीं हुए हैं, इसके फॉर्म्स अभी थोड़े दिनों में आ जाएंगे। इसके रिगार्डिंग कुछ भी बच्चे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आप सीबीएसई से ही लेना, आप और जगह पे जाके आप वीडियोस देखेंगे, यूट्यूब पे कंटेंट ढूंढेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपको प्रॉपरली बच्चे मिसगाइड कर दे, जिससे आपका ये पूरा का पूरा सेशन, ये जो आपका ऑप्शन था, ये खत्म हो जाए। तो आप सीबीएसई से कॉन्टेक्ट करें, अगर कॉल पर बात नहीं हो पा रही है, मेल
मेल ड्रॉप करें सीबीएसई को, आपके आसपास कोई बच्चे ऑफिस हो सीबीएसई का तो आप वहां पे जाके भी विजिट करके ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से बच्चे कलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे मैंने आपको सेकंड ऑप्शन बता दिया है कि रीअपेयर कर सकते हैं आप क्लास 12th के अंदर। नाउ इसके अंदर बच्चे मैं थोड़ा सा पर्सनल अपना सजेशन ऐड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चे, मे बी कुछ बच्चों को ये सजेशन सही नहीं लगे, पसंद नहीं आए, लेकिन यदि बच्चे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो फॉर एग्जाम्पल सभी सब्जेक्ट में, आपके एक सब्जेक्ट में तो कंपार्टमेंट आई है जिसका आपका अभी कंपार्टमेंट पास नहीं हुआ, लेकिन सपोज बच्चे आपके बाकी सब्जेक्ट में भी नंबर बहुत कम है, मतलब 33% जस्ट बाउंड्री पे आप पास हुए हैं, तो बच्चे देखो नेक्स्ट ईयर जब आप एग्जाम देने ही वाले हो, नेक्स्ट ईयर आपके एग्जाम होंगे भी कब, मार्च में होंगे, अप्रैल में होंगे, तो क्यों ना बच्चे एक अच्छा सा ऑप्शन करें, अभी हमें 5-6 महीने का टाइम मिल रहा है, हम हमारे सारे सब्जेक्ट को वापस से प्रिपेयर करें और हम हमारा कंपार्टमेंट का सेकंड चांस अवेल करने की जगह हम क्या करें बच्चे, पूरा का पूरा एग्जामिनेशन में वापस से क्या हो जाए, रिपेयर हो जाए। इससे होगा क्या बच्चे, आपके क्लास 12th के परसेंटेज इंप्रूव हो जाएंगे, वरना पता ये चला कि आपने बच्चे पूरी मेहनत की, आपने पूरा टाइम साल का तो वेस्ट कर ही दिया एक एग्जाम के लिए, लेकिन आपके परसेंटेज फिर भी लो रहेंगे, तो क्यों ना बच्चे इस जो हमारा इस बार बच्चे जो फेलियर था इससे हम कुछ सीख लें, वापिस से सारे एग्जाम दें, क्योंकि देखो अब आपके पास ऑप्शन नहीं बचा है। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं, इस साल मेरा साल बचाना चाहता हूं, मैं ओपन यूनिवर्सिटी से या फिर ओपन स्कूल से कोई एग्जाम देके कर लूंगा, बच्चे वो ऑप्शन भी खत्म हो चुका है। मैं भी आपको थर्ड पॉइंट बताऊंगा जिसके अंदर मैं आपको NIOS और ओपन जो स्कूलिंग है उसका भी बच्चे मैं भी आपको सिस्टम यहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। आई नो वीडियो बच्चे थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन यहां पर आपको पूरी डिटेल बच्चे मिलेगी, क्लियर ना। तो मैंने आपको बच्चे सेकंड ऑप्शन बताया, रीअपेयर इन द एग्जामिनेशन एज अ प्राइवेट और एज अ रेगुलर। सर रेगुलर में होते हैं तो बच्चे एज इट स्कूल में एडमिशन लेंगे, स्कूल आपके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करवाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे, लेकिन प्राइवेट में होंगे तो आपके प्रैक्टिकल्स तो कंडक्ट होंगे, लेकिन आप बच्चे एज ए स्कूल की अथॉरिटी, स्कूल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप स्कूल के बिहाफ से कोई भी कोई चीज नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपने पर्सनल खुद के बेस पे सारी चीजें क्या करेंगे, फाइट करेंगे ना। अब थर्ड ऑप्शन बच्चे मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जिसकी भी आजकल आप काफी डिमांड कर रहे थे यूट्यूब पे कि सर अगर हम स्कूल, हम यहां पे अगर मान लो पास नहीं हो पाए, हम अगर NIOS या ओपन स्कूलिंग से हमारा ये रिजल्ट क्लियर करना चाहते हैं कंपार्टमेंट का, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो बच्चे मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूं, पहली चीज तो ये कि आपका देखो अभी जो NIOS के नो डाउट आपके अभी फॉर्म चल रहे हैं, कोई स्टूडेंट अगर NIOS से एग्जाम देकर के पास करना चाहता है कंपार्टमेंट, फॉर्म्स अभी चल रहे हैं, 31 अक्टूबर बच्चे लास्ट डेट है, लेकिन ध्यान से सुनना आपके कंपार्टमेंट एक सब्जेक्ट में आई हुई है, राइट, आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं, लेकिन अगर आप NIOS में एडमिशन लेते हैं प्राइवेट के तौर पे अपने आप को अगर रजिस्टर करते हैं तो बच्चे आपको 3 सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे, ये मिनिमम 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है। सपोज अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आप अगर एक सब्जेक्ट में फेल हैं अकाउंटेंसी में, अकाउंटेंसी आपके कंपार्टमेंट है, अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी ओपन स्कूल से अगर NIOS से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बच्चे आपको अकाउंट्स का तो पेपर उसमें देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको 2 और सब्जेक्ट वहां पे ऐसे ऑप्ट करने पड़ेंगे जिनका आपको बच्चे क्या करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट तो बच्चे वो हो गए, और आपके 12th क्लास के जो बाकी सब्जेक्ट थे उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट के आपके मार्क्स वहां पे क्या हो जाएंगे बच्चे, TOC हो जाएंगे। TOC means बच्चे ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, आपके ये मार्क्स वहां पे क्या कर दिए जाएंगे, ट्रांसफर। सपोज मेरे इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में बहुत अच्छे नंबर है तो मैं इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के नंबर वहां पे क्या कर दूंगा, कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, इको बिजनेस और अकाउंट्स का मैं तीनों का एग्जाम बच्चे मुझे वहां पे देना पड़ेगा ना। अब एक चीज सुनना बच्चे, ये ऑप्शन अगर आप अवेल करते हो, आप सोच रहे हो हमारा साल बच जाएगा, हम इसी साल पास हो जाएंगे, तो बच्चे ये चीज गलत है, समझना क्यों, आपके एग्जाम्स के फॉर्म बच्चे फिल होंगे 31 अक्टूबर तक, आपका इसका एग्जाम कंडक्ट होगा नवंबर दिसंबर में, अभी भी कंफर्म नहीं है, सिचुएशन डिपेंड कर रही है कोविड के ऊपर, आपके एग्जाम कब कंडक्ट होंगे बच्चे, नवंबर और दिसंबर में, फिर इसका रिजल्ट कब आएगा, टिल द जनवरी। अगर बच्चे जनवरी 1 तारीख के बाद भी रिजल्ट आता है तो रिजल्ट काउंट कहलाएगा बच्चे, रिजल्ट किसका काउंट होगा, वो 2021 का रिजल्ट काउंट होगा, तब तक बच्चे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन देने के लिए तैयार होगा, मतलब कि अब बच्चे हमारे पास कॉलेज में एडमिशन लेने का स्कोप तो खत्म पूरा का पूरा हो ही चुका है, हम कैसे भी करके बच्चे ये साल हमारा नहीं बचा सकते। तो अब आपके पास बच्चे मेजरली जो मैंने मोटे मोटे आपको 3 ऑप्शन दिए हैं,
उसमें से मैं ओपन स्कूलिंग को बच्चे प्रेफर नहीं करूंगा एनआईएस को अभी। अगर अभी हम लोग जून जुलाई में बैठे होते बच्चे, तब मैं आपको बोलता कि बच्चे एनआईएस में एडमिशन ले लो, एक दो महीने में एग्जाम हो जाएगा, तीन महीने में रिजल्ट आ जाएगा और इसी साल में आप पास हो जाएंगे। लेकिन अब बच्चे वो टाइम जा चुका है, अब आपको सोचना पड़ेगा। और यदि बच्चे हमें 2021 की ही मार्कशीट चाहिए तो बच्चे हम किसी ओपन बोर्ड में क्यों फंसे फालतू में, सीबीएसई हमारे लिए बेस्ट होगा। सीबीएसई का रेगुलर होना या प्राइवेट होने में बच्चे कोई भी डिफरेंट नहीं है। आप लोग सोचते हैं सर प्राइवेट होंगे तो कोई गलत मतलब वो जाएगा करियर में, कुछ गलत इफेक्ट आएगा, हम कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दे पाएंगे या फ्यूचर हमारा खराब हो जाएगा, ऐसा बच्चे बिल्कुल भी कुछ नहीं है। यदि आप कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर करते हो या प्राइवेट के तौर पे सीबीएसई में क्लियर करते हो, इंक्लूडिंग आप एनआईएस से भी क्लियर करते हो बच्चे, सभी मार्कशीट की वैलिडिटी इक्वल है, क्लियर, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर। तो यह चीज भी बच्चे मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी है। थोड़ा सा देखो बच्चे, मैं एनआईएस के लिए मैं आपको थोड़ा सा बच्चे इन्फॉर्म करना चाहूंगा, अगर आप एनआईएस के लिए अप्लाई करते हैं याद रखना ओपन स्कूलिंग है, डायरेक्ट एडमिशन आप कहीं पे करवाने नहीं जा पाएंगे, आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। अब होता क्या है बच्चे, यहां पे बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्रॉड में फंस जाते हैं बच्चे। एनआईएस की अगर मैं आपको ऑफिशियली भी फीस बताऊंगा ना, आप शॉक रह जाएंगे। एनआईएस की ऑफिशियली बच्चे फीस होती है 6,000 से 7,000 या 8,000, ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कितने हैं। आपके जो 6,000 से 7,000 की जो फीस है बच्चे, वो आपसे एनआईएस पे, यूट्यूब पे भी काफी बच्चे ठेकेदार बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो वीडियो बनाते हैं एनआईएस के लिए, एनआईएस के नाम पे प्रॉपरली चैनल खोल दिए हैं और वो बोलते हैं आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करो और हमसे बात करो, हम आपका एडमिशन करा देंगे, हम आपको पास करा देंगे। बच्चे उनसे आप एक बार फीस पूछना, उन्होंने किसी वीडियो में फीस मेंशन नहीं की है, आप उनको व्हाट्सएप करते हो, मैसेज करते हो, वो आपको फीस बोलेंगे मिनिमम 12,000 15,000 20,000। और मैंने यहां तक देखे हैं बच्चे 30,000 से 35,000 रुपए भी एनआईएस के नाम पे मांगे जाते हैं और बच्चे मजबूरी के नाम पे पैसा दे भी देते हैं। तो बच्चे मेरा सा थोड़ा सा आपसे ओपिनियन है कि अगर आप खुद करना चाहें, बच्चे पढ़े लिखे हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, बहुत समझदार हैं, खुद से अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर देना, आपका 3,000 से 5,000 में ही मेरे हिसाब से काम हो जाएगा, राइट। तो बच्चे इस चीज का आपको थोड़ा सा नॉलेज मैंने आपको शेयर कर दिया है। स्टिल और भी बच्चे आपके मन में कोई डाउट रहते हैं तो बच्चे आप नीचे वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं आज की डेट में ही जो कमेंट्स आप लोगों के आएंगे मैं सारे कमेंट के रिप्लाई कर दूंगा। स्टिल अगर बच्चे थोड़ा सा डिले हो जाता है तो प्लीज थोड़ा कॉपरेट करना। अभी याद रखना ये आज के दो दिन बहुत खास हैं, 11 तारीख और 12 तारीख। यदि कोई बच्चे फर्स्ट स्टेप यानी कि बच्चे रिवैल्यूएशन रिवेरिफिकेशन करवाना चाहता है तो बच्चे आज और कल की डेट में करवाना, कल शाम को 5 बजे के बाद बच्चे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है रिवेरिफिकेशन करवाने का। तो इस चीज का बच्चे आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, क्लियर। नाउ बच्चे आई थिंक मैंने आप लोगों के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, मुझे इसमें और बताने लायक बच्चे और कुछ भी नहीं बचा है। सीबीएसई की बच्चे जो कंपार्टमेंट एग्जाम, अगर आप सीबीएसई में वापस से प्राइवेट तौर पे अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो आपका बच्चे 3,000 या 4,000 ज्यादा खर्चा होगा नहीं, राइट। तो ये भी मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहां पे शेयर कर दी है, क्लियर। नाउ ये बच्चे वीडियो डिटेल्ड मैंने आपकी ऑन डिमांड मैंने बना दिया था, अब देखो ध्यान से सुनना बच्चे मेरे पास। फॉर एग्जांपल आपके कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट करना या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं सॉल्व कर दूंगा। एक थर्ड बच्चे काफी टाइम से काफी बच्चे व्हाट्सएप में को अपने मोबाइल नंबर की डिमांड कर रहे थे, तो बच्चे मेरे पास कल तक तो कोई नंबर था नहीं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, रीजन भी मेरा पर्सनल नंबर बच्चे मैं यहां नहीं दे सकता पब्लिकली। लेकिन फॉर द पर्टिकुलर बच्चे यूट्यूब के लिए मैंने अपना एक नया नंबर ले लिया है, नंबर आपको बच्चे नीचे दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, आप इस नंबर पे प्लीज सिर्फ और सिर्फ पहले व्हाट्सएप करना। व्हाट्सएप पे आप अपना पूरा का पूरा बच्चे डिटेल्ड क्वेश्चन जो भी है इस व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको नीचे दिख रहा है बच्चे 7976725651, इस मोबाइल नंबर पे आप क्या करेंगे अपना पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन एक ही मैसेज में बच्चे अपना डाउट लिख के मैसेज व्हाट्सएप कर देंगे। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा या तो मैं आपको बच्चे रिप्लाई कर दूंगा या अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको हाथों हाथ उसी टाइम वापस से कॉल करके आपके बच्चे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बच्चे। मैं उस पर सबके कॉल्स तो शायद अटेंड नहीं कर पाऊं लेकिन आप व्हाट्सएप प्लीज ड्रॉप कर देना, कॉल्स करके प्लीज आप भी परेशान मत होना, आपके कोई भी डाउट्स आ रहे हैं कोई भी दिक्कत आ रहे हैं आपको जस्ट क्या करना है व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो बच्चे ये डिटेल वीडियो था आज के लिए, बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और भी बच्चे कोई आपके डाउट्स हो या फिर और भी ऐसा कोई इंसान हो जिसको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है ये प्लीज उस इंसान के साथ वीडियो शेयर करना। आपको लग रहा है थोड़ी भी बच्चे मैंने आपकी हेल्प की है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना, क्लियर। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।